तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं 20,000 के अंदर जो है आप लोग एक मस्त सा गेमिंग पीसी बिल्ड करके देने वाला हूं। ये जो पीसी रहेगा ये खास तौर पे गेमिंग के लिए एंड एडिटिंग के लिए एंड नॉर्मल यूज के लिए जो है मैं पीसी बिल्ड कर रहा हूं। अगर आप लोग का जो है गेमिंग का या एडिटिंग का पर्पस है तो आप लोग डेफिनेटली इस पीसी को बाय कर सकते हो। चलो फटाफट स्टार्ट किया जाए अपना वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके मॉनिटर से कि भाई आप लोग को जो है इसमें कितने इंच का मॉनिटर देखने को मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो है हम अपना बजट पीसी बना रहे हैं, इसीलिए जो है मैं ज्यादा बड़ा मॉनिटर इसके अंदर ऐड नहीं करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग चाहो तो इन फ्यूचर आप लोग बड़ा मॉनिटर डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो है मैंने 19 इंच का एक फुल HD वाला मॉनिटर ऐड किया है जो कि ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड की तरफ से आता है। अब बात करें इसके भाई क्या स्पेसिफिकेशन आप लोग को इसके अंदर मिलने वाली है, तो आप लोग को जो है इसमें VGA सपोर्ट एंड HDMI सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बात करूं अगर आप लोग इसको परचेस करते हो यानी कि इस मॉनिटर को आप खरीदते हो तो आपको जो इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वो सबसे पहले आप लोग को मॉनिटर देखने को मिलेगा, सेकेंड आप लोग को इसमें VGA केबल देखने को मिलेगी और थर्ड जो है HDMI केबल इस बॉक्स के साथ आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं मॉनिटर के प्राइस की कि आप लोग के जो मॉनिटर है कितने में पड़ने वाला है। तो वैसे फ्लिपकार्ट पे अगर बात करें इसके प्राइस की तो 3,500 रुपये जो है इसका फिलहाल फ्लिपकार्ट पे प्राइस चल रहा है। बट यहाँ पे बिग बिलियन डेज की थोड़ी सेल चल रही है तो यहाँ पे जो है आपको इसका प्राइस जो है 3,000 रुपये में जो है आपको ये मॉनिटर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा मॉनिटर। अब मैं चाहिए अपना एक गेमिंग CPU, तो यहाँ पे जो है मैंने ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड की तरफ से आने वाला एक गेमिंग CPU सिलेक्ट किया है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे यार कुछ इस प्रकार का आप लोगों को अपना गेमिंग CPU देखने को मिलने वाला है। ये जो है व्हाइट कलर के साथ आता है और इसमें 3 फैन लगे हुए हैं, 2 RGB वाले हैं और 1 जो है नॉन RGB फैन है। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की कि इस गेमिंग CPU के अंदर आप लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो स्टार्ट करता हूँ मैं इसके रैम से कि आप लोग को भाई इसके अंदर कितने GB की रैम देखने को मिलेगी। देखो इसके अंदर वैसे 2 स्लॉट है बट यहाँ पे जो है आप लोग को इस गेमिंग CPU के अंदर 8GB की रैम देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग इसे इन फ्यूचर एक्सपेंड करना चाहो तो 8GB के सिंगल स्टिक और लगा देना, देन 8+8 जो है ये 16GB तक जो है इजिली एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये हमारी थी रैम की बात। अब बात करते हैं भाई इसके प्रोसेसर की, क्योंकि यार प्रोसेसर पे जो है सब कुछ हमारा चलता है। तो प्रोसेसर इसमें कितना वाला यूज़ किया गया है, देखो इसके साथ जो है आप लोग को इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, वो भी कोर i7 का, और ये जो है 8 जनरेशन का रहने वाला है। अगर आप लोग को प्रोसेसर के बारे में थोड़ा और जानकारी चाहिए आप लोग गूगल पे डाल सकते हो कोर i7 860, जैसे आप डालोगे तो आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की कि भाई इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है। देखो इसके अंदर जो है वैसे विंडो 10 एंड विंडो 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल मार्केट में चल रहा है, लेकिन आप लोग को जो है इसके साथ विंडो 10 प्रो का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, वो भी 64-bit वाला। अधिकतर गेमिंग PC के अंदर जो है विंडो 10 का ही जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके हार्ड डिस्क और SSD की कि इसमें जो है हमें कितने GB के हार्ड डिस्क और SSD देखने को मिलेगी। देखो इसके साथ जो है आप लोग को वही 500 GB के हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, लेकिन बात करें इसके SSD की कि इसमें कितने GB की SSD यूज़ की गई है, तो इस PC के साथ जो है आपको 128 GB की SSD देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी खासी आप लोग को इसके साथ SSD मिल रही है। सो अब हम बात करते हैं फाइनल जो कि हमारा गेमिंग PC है, तो ग्राफिक कार्ड इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात आती है कि इसमें कितने GB वाला जो है ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है, तो इसके साथ जो है आपको DDR5 की तरफ से आने वाला 2GB का जो है ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग इस PC के अंदर कर सकते हो, और एडिटिंग करना चाहो तो वो भी आप लोग 4K क्वालिटी में कर पाओगे। तो अब हम बात करें भाई इसमें क्या प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया था कोर i7 का, इसकी खासियत क्या है। तो इसमें जो है आप लोग को 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, और इसकी जो प्रोसेसर की स्पीड है 3.20 GHz की है। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो प्रोसेसर हमारा काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लोग इस गेमिंग PC को बाय करते हो तो आप लोग को डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा ही होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं अपना गेमिंग CPU के प्राइस की कि भाई इस गेमिंग CPU का प्राइस क्या रहने वाला है। तो वैसे जो इसका प्राइस चल रहा है वो 17,000 रुपये है, बट यहाँ पे जो है आपको कार्ड का डिस्काउंट लगा के ये जो है गेमिंग CPU 16,000 रुपये मिल जाएगा। तो 16+3 जो है 19,000 रुपये जो है हमारा हो गया है। अब बचे हमारे पास 1,000 रुपये, उसमें हमें एक कीबोर्ड एंड माउस परचेस करना है। ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला कीबोर्ड एंड माउस आप लोग परचेस कर सकते हो। वैसे अगर आप लोग नॉन RGB वाला कीबोर्ड माउस लोगे तो वो आपको 300 से 350 रुपये का मिल जाएगा, बट अगर आप लोग RGB वाला लेते हो तो उसका जो प्राइस है वो 650 से 700 रुपये के आसपास आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो इस गेमिंग PC को परचेस कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस
मिलने वाला है। तो इस प्रकार के वीडियोस अगर आप लोग को और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आप बता सकते हो कि आपका बजट कितना है, उस बजट के अंदर भी मैं एक गेमिंग पीसी आप लोग के लिए बिल्ड करा दूंगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय।